यूपी के बाराबंकी जिले से बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत का एक कथित MMS यानी वायरल वीडियो हो रहा है। आरोप है कि इस अश्लील वीडियो में महिला के साथ दिख रहे शख्स बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत ही हैं, लेकिन सांसद और उनकी टीम की ओर से इस वायरल अश्लील वीडियो को फर्जी और एडिटेड बताया गया है। इस कथित MMS वायरल वीडियो को लेकर सांसद के प्रतिनिधि दिनेश चंद्र रावत ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत का यह वीडियो ऐसे समय में वायरल हुआ है जब उन्हें एक बार फिर पार्टी की ओर से बाराबंकी की लोकसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। वायरल अश्लील वीडियो को लेकर बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने क्या सफाई दी है, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर पूरे मामले पर विस्तार से बताएंगे। वो जो है अभी मुझे जानकारी हुई है, लोगों ने वायरल किया है और पूरी तरह तौर से बनाया गया है, और उसमें मैंने अब जब देखा है उसमें एक बताया जा रहा 2022 का, एक 23 का, अभी 22-23 का किसी का वीडियो है, उस पर चेहरा मेरा लगाया गया है, और जब कल मेरा टिकट फाइनल हुआ तो आज उसको वायरल किया गया। हाँ, मैंने तहरीर दे दी, मुकदमा लिखवा दिया, हमने कहा इसकी वीडियो की जांच तुरंत कराई जाए, क्योंकि मैं 100% दावा करता हूँ कि ये मेरा नहीं। अच्छा, ये मेरा चेहरा लगाया गया है, बिल्कुल AI का मामला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है। इस तरीके के तमाम केसेज आए हैं कि लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, जब जाँच हुई तो पता चला फर्जी। कथित वायरल अश्लील वीडियो को लेकर सांसद उपेंद्र रावत की ओर से उनके निजी सचिव दिनेश रावत ने 3 मार्च को रात 8:30 बजे FIR दर्ज कराई है। FIR में लिखा गया है कि सांसद की छवि धूमिल करने के लिए इंटरनेट मीडिया पर सांसद के विरुद्ध आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जो एडिटेड वीडियो है। वीडियो प्रसारित करने वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करें। सेक्शन 419, 501, 66D, 67 और 43 के तहत केस दर्ज कराया गया है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक सांसद के एक नहीं बल्कि करीब 5 कथित वीडियो वायरल किए गए हैं। हर वीडियो की ड्यूरेशन करीब 5 मिनट 1 सेकंड है। वायरल वीडियो के बैकग्राउंड में DJ बजने की भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सांसद का जो कथित वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक वीडियो 31 जनवरी 2022 की रात करीब 8:23 का बताया जा रहा है, वहीं दूसरा वीडियो 11 मई 2022 की रात करीब 11:21 का है। हालांकि अब जब इस वायरल वीडियो को लेकर सांसद की ओर से FIR दर्ज कराई जा चुकी है तो पुलिस भी मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि उपेंद्र रावत बाराबंकी लोकसभा सीट से मौजूदा समय में भाजपा सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने शनिवार को पहले लिस्ट जारी की है, जिसमें भाजपा ने उपेंद्र सिंह रावत को बाराबंकी से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 2019 में भाजपा ने वर्तमान सांसद प्रियंका रावत का टिकट काटकर उपेंद्र सिंह को बाराबंकी से उम्मीदवार बनाया था और उन्हें वहाँ से चुनाव लड़ाया गया था। बीजेपी सांसद का कथित MMS ऐसे समय वायरल हुआ है जब उन्हें टिकट मिले 24 घंटे भी नहीं हुए थे, इसलिए संसद की ओर से इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे पूरी तरह से राजनीतिक प्रोपोगेंडा साजिश करार दिया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद सांसद को दिल्ली बुलाया। हालांकि अब तो आने वाले दिनों में पुलिस की जांच में ही वीडियो की असल सच्चाई सामने आएगी कि वायरल वीडियो फर्जी था, डॉक्टर्ड था या फिर हकीकत। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी सुप्रिया सिंह ने। मैं हूँ विपिन किरार, देखते रहिए दिल अल्लन टॉप। शुक्रिया।